हेलो एंड वेलकम अगेन, दिस इज विष्णु महाली। और आज पहली बार मैं इंटरव्यू सीरीज करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टार्ट करने के लिए भी काफी अच्छा बंदा यहाँ पे मिला हुआ है, उमेर कुरैशी। आप लोग सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, सतीश के वीडियोज में आया था और ब्लॉग्स में, ब्लॉग के मामले में काफी फेमस है। आई थिंक कुछ फॉरेन यूट्यूबर्स के साथ भी इसने कोलैब किया हुआ है, तो बहुत सारे कोलैब वीडियोज इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अब ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तो ये हिंदी एपिसोड है। इसके बाद हम लोग इंग्लिश एपिसोड भी करेंगे, वो किसी और दिन रिकॉर्ड करेंगे, बट आज को हिंदी में एपिसोड होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी इंटरव्यू सीरीज अगर आपने देखा होगा, ब्लॉगिंग वगैरह का अभी तक जितना भी है, तो थोड़ा बोरिंग रहता है क्योंकि सिर्फ ब्लॉगिंग या काम की बातें ही करते हैं। तो मैं थोड़ा सा हटके करने वाला हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वगैरह भी डालने वाला हूँ ताकि मजा आए। तो ये मैं थोड़ी सी डिफरेंट करने वाला हूँ अपने इंटरव्यू सीरीज में, आप लोगों को जरूर मजा आएगा। और ये पॉडकास्ट पे भी जाएगा, सिद्धि मंत्र पॉडकास्ट पे, तो आप वहाँ पे भी सुन सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं इंटरव्यू की तरफ। और सबसे पहले तो उमेर कुरैशी, आप अपने आप को बताइए कि आप कौन हो, आप क्या करते हो वगैरह। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स विष्णु भाई फॉर इनवाइटिंग मी यार, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड ये मेरा एक सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ इंटरव्यू सीरीज कर रहा हूँ। हमने बहुत पहले बात करा था हम करेंगे, बट इंटरनेट वगैरह की इश्यू होती है वगैरह, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो चलो अपना इंट्रोडक्शन फिनिश कर लो, मैं आप खत्म करो पहले, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। हे गाइस, मेरा नाम उमेर कुरैशी एंड मैं 16 साल का ब्लॉगर हूँ एंड फाउंडर ऑफ guideblogging.com। एंड जो मैंने अपनी जर्नी की स्टार्ट करा था, वो करा था 13 साल की उम्र में, जब 2017 में, तो उस टाइम मैं स्टार्ट किया था। एंड अभी जाके मेरे को कह सकते हैं कि प्योर जो अचीवमेंट मिलने लगी है वो अब मिली है, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रगल तो करना पड़ता है, इतना तो होता है। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन, आई थिंक अच्छा लगा हो। हाँ, तो आप गाइड ब्लॉगिंग के वगैरह अगर, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो अभी? नहीं, गाइड ब्लॉगिंग के अलावा भी मेरे बहुत सारे कह सकते हैं वेंचर्स हैं। हाँ, जैसे अपना आपका मेन वेंचर मतलब गाइड ब्लॉगिंग है, राइट? जी, मेन वेंचर मतलब जो पब्लिक है मेरा, राइट। तो बाकी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से थोड़ी सी फॉर्मल क्वेश्चनिंग करने वाला हूं मैं, ताकि थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाए सब चीज। तो ये बताइए कि आप कहाँ से हो और लाइफ कैसे चल रही है? तो मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड यही दिल्ली से मैं रहा हूँ, मतलब बचपन से रहा हूँ। अभी तो मेरी कॉलेज स्कूल, मतलब कॉलेज नहीं हुआ है, स्कूल चल रहा है, तो यही हुआ है। एंड जो मैं बता रहा था कि लाइफ अभी बहुत ही अच्छी चल रही है, एंड एज अ क्वारंटाइन हम होम से वर्क कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि हम ज्यादा टाइम अपने बिजनेस पे दे पा रहे हैं एंड हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है। सो मेरे लिए उससे अच्छी बात कुछ और नहीं है। सो ऐसा है, और मैं ज्यादा टाइम अपना लर्निंग पे लगा रहा हूँ एंड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ न्यू थिंग्स। तो पहले तो आप ये बताओ कि आपने ब्लॉग कैसे स्टार्ट किया, उसके बाद भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं पहले, दूसरों का जो आपने इंटरव्यू दिया है वो मैंने देखे, तो उस हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन सोच रखे हैं, वो भी पूछूंगा। पर पहले आप बताइए कि आपने ब्लॉग कैसे स्टार्ट किया, मतलब कहाँ से मोटिवेशन मिली? तो मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो बेसिकली क्या था, 2017 की बात है, जून जुलाई के आसपास की। उस टाइम मेरे मॉम के पास न्यू फोन आया था, टच स्क्रीन फोन, ठीक है। तो हुआ क्या था, मैं उस फोन को यूज करता रहता था, देखता रहता था कि क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम खोलता था, यूट्यूब खोलता था। तो एक बार जब मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को एक वीडियो दिखी, दैट हाउ टू अर्न मनी थ्रू यूट्यूब लाइक फ्रॉम होम, ठीक है। तो जब मैंने उस पर क्लिक करा, तो मेरे को बहुत सारे वेज मिले कि कैसे हम अर्न कर सकते हैं। एंड उसी के थ्रू मतलब मेरे को इंस्पिरेशन मिला। जब मैंने देखा, तो वहां पे सबसे पहले जो मेरे को वे मिला वो था यूट्यूब, एंड मैंने उसी के थ्रू स्टार्ट करा। एंड आगे कर करके फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट तो कर दिया था, बट एक था कि उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, जैसा आपको ही पता है कि हमें कितना ज्यादा उसमें मेहनत करना पड़ता है, अपलोड ज्यादा करना होता है ना, एंड रेगुलर होना पड़ता है। बट उस टाइम मेरे पास ना स्किल्स थे, ना पूरा मेरे को एडिटिंग बिल्कुल नहीं आता था, तो उस टाइम मेरे को छोड़ना पड़ा। मेरे को लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा,
तो मैं उसी वीडियो पे वापस गया एंड मैंने देखा कि और कैसे अर्न कर सकता हूँ. तो फिर मेरे को पता चला ब्लॉगिंग भी एक चीज है जिसके थ्रू मैं अर्न कर सकता हूँ. तो फिर 2017 में दिसंबर का टाइम था, मैंने अपना जो पहला ब्लॉग है वो स्टार्ट करा. वो एक गेमिंग नीच पे ब्लॉग था, ब्लॉग स्पॉट पे था. तो उसको मैंने स्टार्ट करा एंड मतलब मैं यूट्यूब से जो फ्री स्टफ होता है मैं उससे सीखता रहा एंड मतलब फिर मेरे को पता चलता रहा कि ब्लॉगिंग होता क्या है. बट फिर मेरे को आगे जाके ये पता चला यार डोमेन और होस्टिंग भी कुछ चीज होता है. एंड एज अ किड मेरे टाइम उस वक्त मतलब मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे यार कि मैं डोमेन और होस्टिंग ले सकूं, क्योंकि एज अ किड घर वाले पैसे मतलब उनको लगता था कि ये जो इंटरनेट है ये फ्रॉड है. ऐसा नहीं होता, आपको तो पता ही होगा. हाँ, ये सब तो होता है जी. तो वैसे तो सब ठीक था, फैमिली में सब ठीक था, बट ऐसा लगता था कि अगर बच्चा ऑनलाइन खर्च कर रहा है तो कुछ गलत कर रहा है ना. right. तो बहुत हार्ड था मेरे को अरेंज करना. बट फिर क्या हुआ, मेरा बर्थडे आता है 13 अप्रैल. तो हमने क्या करा, मतलब मैंने उस वक्त मैंने अपने पापा से बोला पापा मेरे को पैसे दे दीजिए, मुझे कुछ खरीदना है. एंड एज यूजुअल जब बच्चे पार्टी करते हैं मेरे को भी वैसे ही करनी थी पार्टी, बट मैंने उस बार पार्टी कैंसिल कर दी. एंड पापा से वो जो पैसे होते ना जो पार्टी के ने पैसे होते हैं उसको मैंने यूज कर लिया लाइक अपने डोमेन होस्टिंग खरीदने से. एंड वहीं से मेरा जो पहला वर्डप्रेस ब्लॉग था जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के साथ मेरा एक प्रॉपर ब्लॉग स्टार्ट हुआ था वो वहां से स्टार्ट हुआ था. एंड उसके बाद भी बहुत सारे ब्लॉग स्टार्ट करे एंड फेल होता गया होता गया, फिर ऐसे ही दिखा. जैसे कि तुमने बताया कि YouTube भी तुमने स्टार्ट किया था, राइट? तो मतलब वो जर्नी कैसी रही, मतलब उसमें जो फ्रस्ट्रेशन वगैरह हुआ, मतलब बहुत लोग सोचेंगे कि चलो मुझसे ब्लॉगिंग तो नहीं होती, मैं YouTube पे आ जाऊंगा. तो आपको जो स्ट्रगल फेस करनी पड़ी थी या जो आप जिसकी वजह से आप फिर ब्लॉगिंग में चले गए, वो अगर शेयर करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि यूट्यूब में कैसा एनवायरमेंट मिलता है, मतलब स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में. जब मैंने 2017 में स्टार्ट करी थी तो एज अ मतलब यूट्यूब, तो उस वक्त लाइक मैं डेली कंटेंट डालता था उस वक्त भी, बट मेरी एडिटिंग स्किल्स अच्छी नहीं थी तो मैं अच्छी एडिट भी नहीं कर पाता था. मैं सिर्फ उस टाइम भी लाइक आई थिंक मेरा जो नीच था वो आई थिंक टेक या गेमिंग जैसा था, मेरे को प्रॉपर याद नहीं, क्योंकि मैं गेमिंग की भी वीडियोज डालता था एंड टेक की भी. लाइक जैसे कोई भी फोन आया तो उसका एनिमेशन बना के डाल देता था जैसा होता है और काइंड मास्टर ऐप से सिंपल सा. तो एज अ मैंने इसको स्टार्ट करा बट उसमें मेरे को करीबन ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं दिखी कि मैं इसके थ्रू अर्न कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे यूट्यूबर्स को देखता था वो इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनका इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं और मैं देखता था यार मैं तो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ. तो उस टाइम मेरा ऐसा माइंड सेट था कि मेरे को क्विक रिच स्कीम लगती थी यूट्यूब. तो क्योंकि आपने ब्लॉगिंग भी की है फिर यूट्यूब भी की है, राइट? मतलब ट्राई की है एटलीस्ट, तो इसके अलावा भी आपने जरूर कुछ किया होगा. तो आपकी इनकम सोर्स मतलब कितनी है कि ये सिर्फ ब्लॉगिंग है? अभी इनकम सोर्स एफिलिएट मार्केटिंग है एंड हमारे क्लाइंट्स भी हैं, हमारे यूके बेस्ड क्लाइंट्स हैं, ठीक है? तो वो भी हमें पे करते हैं एंड अभी हम उसमें भी आने वाले हैं, क्या कहते हैं, इन्फो प्रोडक्ट्स में. तो वो हमारी एक एजेंसी है. तो हमारा अभी मेन इनकम सोर्स बता सकते हैं हमारा ब्लॉगिंग भी है एंड एसईओ क्लाइंट्स भी हैं एंड अलग अलग चीजें भी है जैसे कोई कंसल्टेशन कॉल एंड ऑल दीज, तो ये भी हो जाता है. और अभी मैं जानता हूँ कि सब दर्शक लोगों को ये क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन है कि कितना कमाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है ये लगभग हर किसी के थंबनेल में रहता है जब भी इंटरव्यू करते हैं, जैसे सतीश भैया के थंबनेल में रहता है, आपने देखा ही होगा. तो वो भी मैं डालूंगा और पूछूंगा भी इससे, लेकिन बाद में, क्योंकि थोड़ा और देख लो. तो अभी मैं पूछना चाहता हूँ, नॉलेज मिल जाए फिर हम थोड़ा बताएंगे. बिल्कुल, मैं भी क्लिकबेटी थंबनेल डालूंगा तो व्यूज के लिए. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि तुमने जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करी वो कब स्टार्ट करी थी, जैसे 2013? 2017. तो 2017 में तो ऑब्वियसली ब्लॉगिंग मतलब ग्रो कर रही थी, काफी अच्छी ग्रो कर रही थी, और यूट्यूब उतनी ग्रो नहीं हुई थी, स्टार्टिंग थी, राइट?
अभी 2020 में बहुत लोगों को लगता है कि ब्लॉगिंग जो है वो खत्म हो रही है, तो आपका इस पे क्या कहना है? मेरा तो कहना है कि ब्लॉगिंग खत्म कभी नहीं हो सकती, क्योंकि लोग पढ़ना आज भी चाहते हैं एंड आगे भी चाहेंगे, क्योंकि रीडिंग भी एक अच्छा वो है, हैबिट कह सकते हैं, बहुत लोगों की हैबिट है रीडिंग करने की, बुक्स हो या ब्लॉग हो कुछ भी वो सब रीड करते हैं। तो मैं तो नहीं कह सकता कि ब्लॉगिंग खत्म होगी कभी, बट एक चीज मैं कह सकता हूँ कि यूट्यूब मतलब वीडियोस का कंजम्पशन ज्यादा हो चुका है, अगर आप देखेंगे तो वीडियो कंजम्पशन ज्यादा हो चुका है। तो मैं जो करने की सोच रहा हूँ, जो अभी मैं करता हूँ, जो भी मेरा आर्टिकल्स होते हैं मैं उनको ट्राई करता हूँ कि अपना एक यूट्यूब के फॉर्म में उसको भी प्रेजेंट करा जाए, मतलब वीडियो फॉर्म में, मतलब उसको आर्टिकल मतलब उसका आर्टिकल का वीडियो बनाया जाए, जिससे मतलब हमारा जो कंटेंट हो वो अलग हो, मतलब डाइवर्सिफाई हो जाए, हम कह सकते हैं हम यूट्यूब पे भी आ जाए एंड ब्लॉग पे भी आ जाए, जहाँ से मतलब हमारा दोनों की ऑडियंस बन जाए एंड हमारा दोनों जगह से ट्रैफिक आए। तो मतलब आप रिपर्पस करना चाहते हो अपने सारे कंटेंट को, राइट? हाँ, मतलब अपने जो भी कंटेंट है उसको हर जगह रिपर्पस करो, एक जगह पे ना टिको, अगर आप अपनी साइट पे डाल रहे तो वहाँ पे भी डालो, यूट्यूब पे भी डालो, अपना फेसबुक ग्रुप बनाओ, वहाँ की ऑडियंस को कैप्चर करो, लिंक्डइन में डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, तो हमें अपना जो भी कंटेंट है वो सब जगह रिपर्पस करते जाना है बस। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने अभी सोचा कि ब्लॉग पे आप वीडियोस वगैरह एम्बेड करोगे या फिर उसे वीडियो फॉर्मेट में भी क्रिएट करोगे, राइट? पर अगर आपने वीडियो को सिर्फ यूट्यूब पर डाला तो ऑब्वियसली सिर्फ यूट्यूब ग्रो होगी, आपको पर्सनली आपके ब्लॉग को भी फेमस करना है, आपके ब्लॉग को भी ग्रो करना है, राइट? तो बेसिकली ब्लॉग डेड होते जा रही है, हम लोग मोस्टली इस वजह से कहते हैं क्योंकि अटेंशन स्पेन जो है वो लोगों का कम होता जा रहा है, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आता, तो इसके वजह इसलिए बहुत सारे लोग अभी नए नए फॉर्मेटिंग ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि बहुत लोग अभी जिफ या गिफ जो भी कहते हैं उसे वो एम्बेड कर रहे हैं, राइट? मेरी बात करें तो मैं वीडियोस एम्बेड कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, यूट्यूब पे जितने वीडियोस बनते हैं तो उसे मैं अपने ब्लॉग्स पे एम्बेड कर देता हूँ, तो इस तरह की चीजें कर रहा हूँ। तो आप ऐसे कोई फॉर्मेट ट्राई कर रहे हैं या फिर किसी और को कोई इस तरह की फॉर्मेट रिकमेंड करेंगे? मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं भी जिफ ट्राई करता हूँ एंड मैं भी यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरे ने दोनों वर्क करता है। एंड जो सबसे मेन चीज़ जो क्योंकि मैं आपका यूट्यूब चैनल भी फॉलो करता हूँ, तो मेरा मानना है पर्सनल ब्रांडिंग इज बेस्ट, मतलब अगर आप देखेंगे तो पर्सनल ब्रांडिंग सबसे बेस्ट है, कुछ भी करो आप पर्सनल ब्रांडिंग सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप जानिए अगर मैं अपना कोई भी नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई भी, अगर मेरे ब्लॉग पे पेनल्टी आ चुकी है, अगर मैं नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास पहले से ऑडियंस है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जैसे यूट्यूब पे है, फेसबुक ग्रुप में है, अपना इंस्टाग्राम पे है, तो मैं सबको बोल सकता हूँ कि भाई ये मेरा नया ब्लॉग है, आप प्लीज़ जाइए देखिए, कंटेंट कंज्यूम कीजिए, ठीक है? तो मेरा जो मानना रहता है कि आप पर्सनल ब्रांड पे भी फोकस कीजिए एंड हाँ, यूट्यूब की वीडियो भी मैं करता हूँ एंड ये जिफी है इसका भी थोड़ा आप यूज़ कीजिए, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है। एंड साथ ही साथ टिकटॉक भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज कर सकते हैं, वहां पे आप अपना ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल डाल सकते हैं एक एक मिनट का। एंड यू डोंट बिलीव, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉक पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करता है, मैंने बहुत जगह देखा है, अभी आप जानते होंगे डिजिटल प्रतीक भाई को, वो बहुत मचा रहे हैं टिकटॉक पे, आप भी वैसा कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के रिलेटेड ट्यूटोरियल डाल सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर कोई नहीं डाल रहा, तो वो आपके लिए एकदम ब्लू ओशन है, वहां पे कोई कर नहीं रहा, मतलब आप वहां पे ग्रो कर सकते हैं, तो ये एक मेरा चीज है जो मैं रिकमेंड करूंगा। एंड हाँ, जैसे कि मैंने टिकटॉक पे एक्चुअली देखा है, तो डिजिटल मार्केटिंग जो हैशटैग है उसमें आई थिंक 48 मिलियन या बिलियन की हैशटैग में क्या कहते हैं उस इंप्रेशन या मतलब इतना बार शेयर हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा है, मतलब 48 बिलियन या मिलियन थी उस वक्त जब मैंने देखा था, और ये करीब 2-3 महीने पहले की बात है जब मतलब टिकटॉक पे मुजरा आया करती थी, राइट? तो अभी तो बहुत कुछ बदल चुका है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा ग्रो करनी होगी। तो आपने मतलब टिकटॉक शुरू किया है या करने वाले हो या ऐसे कुछ? मेरा प्लान है, मतलब हम स्टार्ट करने वाले हैं टिकटॉक, अभी पर्सनल ब्रांडिंग में पूरा फोकस होने वाला है, एंड ये मैंने आपसे ही सीखा है आप बिष्णु भाई, पर्सनल ब्रांड पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं आपका भी सारे वीडियोज देखता हूँ, बिकॉज मेरे को जब भी मैंने आपका वीडियो देखता हूँ कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलती है मेरे को, तो आपसे ही सीखा कि पर्सनल ब्रांड हमें बिल्ड करना बहुत जरूरी है,
इन टर्म्स ऑफ लाइक एफिलिएट मार्केटिंग कह लो, अपनी ब्रांडिंग कह लो खुद की या कुछ कुछ भी कह लो, बट पर्सनल ब्रांड इज ग्रोइंग राइट नाउ. सो उसको लाइक उसको आप कैप्चर कीजिए, अपनी पर्सनल ब्रांड ग्रो कीजिए, जो आपका फेस वैल्यू है उसको बनाइए. हाँ, इसमें एक्चुअली पर्सनल ब्रांडिंग में मुझे सबसे ज्यादा पसंद इसलिए आता है क्योंकि एक बार जब आप अपने पर्सनल पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करते हैं ना, आपका पर्सनल ब्रांड जब बन जाता है तो आप किसी भी दूसरे बिजनेस या किसी भी दूसरे ब्रांड को इजीली प्रमोट कर सकते हैं और वहाँ पे भी उतनी ही बड़ी फैन बेस होगी जितनी आपकी पर्सनल ब्रांड पे थी. तो मतलब यहाँ पे एक तीर पे आप चार पांच निशाना लगा सकते हैं. तो इस वजह से मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे फॉलो करता हूँ, मतलब इस पे सबसे ज्यादा काम करता हूँ. और इसी के साथ अब इसी वजह से मैं अगर फ्यूचर में कोई भी ब्रांड क्रिएट करूंगा तो वहाँ पे भी मुझे इजीली मतलब बहुत सारे कस्टमर्स वगैरह मिल जाएंगे पर्सनल ब्रांड की वजह से. तो यही वजह थी कि मैंने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करी एंड यही वजह थी कि मैं सब लोगों को रेकमेंड करता था, यूट्यूब पे हो चाहे फेसबुक पे हो या पर्सनल कन्वर्सेशन पे हो, मैं हर जगह रेकमेंड करता था कि पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो. एंड मुझे लगता है कि यही फ्यूचर है, फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है. यहाँ तक कि हर एक इंसान जो भी है आई थिंक अपने आप में एक पर्सनल ब्रांड है. अगर आप ऑनलाइन हो तो आप अपने अपने पर्सनल ब्रांड हो और आपको अपने आप को एकदम एक ब्रांड की तरह ही ट्रीट करना चाहिए. और अब यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन आ गई मन में कि जैसे कि मैंने कहा कि हमें अपने आप को भी एक ब्रांड की तरह ट्रीट करना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि उन लोग ब्लॉग तो क्रिएट करते हैं लेकिन बस ऐसे ही जनरली ब्लॉग क्रिएट कर देते हैं. उन्हें मतलब उन लोग उस ब्लॉग को एक पैसे कमाने के जरिए की तरह सिर्फ देखते हैं, एक बिजनेस की तरह या एक ब्रांड की तरह नहीं देखते. तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? इसके मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. तो स्टोरी ऐसी है, जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करा तो मैं ब्लॉगिंग को एज अ हॉबी लेता था, जो आजकल के ब्लॉगर समझते हैं कि एज अ हॉबी है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्लॉगिंग अब एक एज अ हॉबी नहीं रहा, वो एक प्योर बिजनेस है. एंड जब तक आप इस बिजनेस में डालोगे नहीं, जब तक आपको रिटर्न कैसे मिलेगा? मैं आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मतलब जो मेरा पहला डॉलर मैंने अर्न करा था वो आफ्टर हसलिंग 1.5 ईयर करा था. उससे पहले मैंने एक रुपया भी कमाया नहीं था, बस इन्वेस्टमेंट करा था. और मेरे को सबसे पहला बेनिफिट मिला जब मैंने कुछ ना कुछ करा, अपना पहला डॉलर अर्न करा. तो जब करा, जब मैंने अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्ट करा, मैंने किसी कोर्स में इन्वेस्ट करा, जब मैंने अपने लर्निंग में इन्वेस्ट करा, तो मेरे को अल्टीमेट बेनिफिट मिला. तो अगर कोई भी एज अ न्यू ब्लॉगर स्टार्ट कर रहा, तो मैं कहूंगा आप उसको एज अ बिजनेस लीजिए यार, उसको ग्रो कीजिए, अपनी ब्रांड को ग्रो कीजिए. एंड लाइक जब तक आप उसको बिजनेस की तरह नहीं लेंगे ना, तो आप ग्रो नहीं करेंगे. क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है जो यूपी ब्लॉगर्स ऐसा सोचते हैं कि हम ब्लॉग स्पॉट पे ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, जब उससे पैसा आएगा तो हम वर्डप्रेस लेंगे, डोमेन लेंगे, है ना. तो मेरा मानना है यार, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो अभी कुछ नहीं हो पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप देखो, अगर आप कोई ऑफलाइन स्टोर भी खोलो तो आपको पैसा तो लगेगा, है ना. बिल्कुल. अभी ऑफलाइन स्टोर खोलोगे, उसमें लाइक करीबन 10-15 या 50 लाख रुपए जमीन में जाएगा, एंड उसकी डेकोरेशन कराने का, सब कुछ कराने का 10 लाख अलग से, तो करीबन 7 लाख रुपए का पूरा पैकेज बन रहा है आपको ऑफलाइन अपना ऑफलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने का. बट अगर हम कंपेयर करें एज अ ऑनलाइन, आपको क्या चाहिए? एक डोमेनर है, होस्टिंग सिंपल, वो भी आ जाएगा 7 से 5 हजार के बीच में. 5 हजार भी हो जाता है जहाँ तक मुझे पता है. अगर आप साइड क्राउन की होस्टिंग लेते हैं जो ग्रो बिग प्लान है या जो उसका बेसिक प्लान है, और प्लस आप एक डोमेन लेते हैं, तो 5 से 6 हजार के बीच में हो जाता है. तो ये काफी कम कॉस्ट है. और मैंने जब स्टार्ट करी थी, आई थिंक ये मैंने जब पहली बार ब्लॉग स्टार्ट करी थी वो ब्लॉग स्पॉट पे ही करी थी, लेकिन मैंने बहुत पहले करी थी तो उस वक्त चलता था. और एक्चुअली मैं काफी ज्यादा आपको वर्क करना पड़ता है अगर आप ब्लॉग स्पॉट यूज करते हैं तो. मैं उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था. अभी वर्डप्रेस में क्या है कि बहुत सारी चीजें जो है ऑटोमेटेड हो जाती है, तो काम का वो बहुत कम हो जाता है. राइट, बोलो. मतलब क्योंकि वर्डप्रेस में फंक्शनैलिटी ज्यादा है. अभी आप देखिए कि आप रैंक मैथ का प्लगइन, जो रैंक मैथ एसईओ का प्लगइन है, आप उसको ब्लॉग स्पॉट में नहीं डाल सकते क्योंकि वो फीचर ही नहीं है प्लगइन्स का. सो वही है, अगर आपको कुछ फीचर चाहिए, एडवांस फीचर चाहिए, एक प्योर एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना है अपना, जैसे आप देखते होंगे मेरा ब्लॉग हो गया, विष्णु भाई का ब्लॉग हो गया, ये सारे आपको प्रोफेशनल लगते होंगे, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा यार. एलिमेंटोर में करना पड़ेगा, थीम में करना पड़ेगा, जनरेट प्रेस, अच्छी होस्टिंग में करना पड़ेगा, साइड ग्राउंड होस्टिंग, इतना तो करना पड़ेगा भाई. बिल्कुल.
और जब मैंने स्टार्ट की करी थी ब्लॉग स्पॉट पे तो उस वक्त वो और भी बदतर थी, अभी तो काफी इम्प्रूव हो चुकी है, बट फिर भी अगर मतलब आप थोड़ी से भी पैसे है आपके पास तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए होस्टिंग पे जहाँ पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सको। और आजकल एक्चुअली में वैसा जमाना नहीं रहा जब लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, आजकल मतलब बच्चे बच्चे के पास इतना पैसा होता है और आप खर्च कर सकते हैं। प्लस अभी एडवांटेज ये आ गई है कि लोगों पे भी ये अवेयरनेस आ गई है कि ऑनलाइन ऐसी कुछ होती है ब्लॉगिंग वगैरह यूट्यूब वगैरह जहाँ से अर्न करी जा सकती है। तो अगर आप सिर्फ अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि बताएंगे कि ऐसा कुछ करने वाला हूँ तो वो समझ जाएंगे एंड हेल्प भी कर देंगे। पहले के जैसा नहीं है कि लोगों को लगता था स्कैम है तो करते नहीं थे, ऐसा कुछ तो अभी रहा नहीं क्योंकि इतने सारे ब्लॉगर्स हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, तो आपको ट्रस्ट का कोई इशू ही नहीं है। आप डेफिनेटली आपके पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, आपके भाई बहन से पूछ सकते हैं एंड उनसे इन्वेस्ट करा सकते हैं जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मैंने जितनी बार भी आपसे क्वेश्चन किया आपने हम करके जवाब दिया, तो दैट मीन्स कि आप लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हो, राइट? तो कितने टीम मेंबर्स हैं? किसकी तरह? टीम की तरह, राइट? वो मतलब मेरी आदत है, मैं क्या करूं ऐसे बोलने की। जो मेरे पास टीम है आई थिंक मैंने पूरी एक एजेंसी हायर कर रखी है, पूरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो बेसिकली वो मेरा काम करते हैं, कह सकते हैं मतलब मैं उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देता हूँ अपने, जैसे कंटेंट राइटिंग के पूरा बना के फॉर्मेट एंड ऑल दीज मैं उनको देता हूँ, एंड फीचर इमेज डिजाइन करता है कोई। बट जो मेन काम मेरा रहता है आर्टिकल को पब्लिश करना, उसको ऑप्टिमाइज करना, एंड हमारा बैकलिंक की भी एक कलेक्स की टीम है मतलब जो बैकलिंक पे फोकस करती है। एंड मेनली मैं गाइड ब्लॉगिंग पे बैकलिंक ज्यादा क्रिएट नहीं करता, बट जो मेरी अलग अथॉरिटी साइट्स हैं अमेजोन के रिलेटेड और अदर नीड्स के रिलेटेड उस पर वो काम करती है टीम हमारी। अगर मैं बात करूं कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं तो आप क्या कहोगे? फ्यूचर गोल्स तो मेरा ये है कि अभी गाइड ब्लॉगिंग को और बड़ी ब्रांड बनाना है एंड अपने आप को मतलब पर्सनल ब्रांडिंग भी करनी है एंड अपनी एजेंसी भी जो हमारी है वो भी हमें पूरी ग्रो करनी है। एंड साथ ही साथ अभी मैं अपने इन्फो प्रोडक्ट्स को लेके आ रहा हूँ तो उनके साथ भी मेरे को करना है। तो ऐसे अभी कुछ चीज़ें हैं एंड अभी बहुत कुछ करने वाले हैं, सो वही है एंड बस सीखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं बिष्णु भाई की, हर किसी की जो अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, पेड कोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं, तो लर्निंग तो हमेशा रहती है। एंड वही है मतलब आगे हो भी सकता है कि हम कोई प्लगइन बना दें, थीम बना दें, तो वो ये आइडियाज आते रहते हैं तो इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। राइट, जैसे मेरी प्लान है, मेरी प्लान तो यही है कि मुझे ब्लॉगिंग लिखने में उतना मजा नहीं आता, तो मेरा ऐसा ही प्लान है कि मैं थीम तो पता नहीं पर प्लगइन जरूर डेवलप करूंगा फ्यूचर में दूसरों के साथ, ऑब्वियसली अकेले नहीं। एंड प्लस हम जो SVGs आपको पता होगा कि अभी हम लोग ब्लॉग्स पे SVG इमेजेस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, ग्राफिक्स, तो वेक्टर ग्राफिक्स जिसे कहते हैं हम, तो वो भी बनाने की प्लान है मेरी। तो पूरी की पूरी एक साइट होगी जहाँ पे पूरी की पूरी वेक्टर ग्राफिक्स की लाइब्रेरी होगी यूज करने के लिए, और ये एक्चुअली मैं बैकलिंक वगैरह के लिए यूज करूंगा। तो ये पैसिव स्ट्रेटेजी करने वाला हूँ मैं जहाँ पे मैं फ्री में सारे वेक्टर ग्राफिक्स दे दूंगा, और ये जो है वो CC0 लाइसेंस में ही होगी, यानी कि कोई लिंक नहीं देना है आपको, बट ऊपर एक बस मैसेज डाल दूंगा कि अगर आप लिंक देते हैं तो काफी अच्छी बात होगी और काफी थैंकफुल रहूंगा, और होपफुली काफी सारे लिंक इससे आपको मिल भी सकते हैं एंड मुझे लगता है मिलेंगे ही। तो ये एक पैसिव स्ट्रेटेजी हो जाएगी बैकलिंक्स के लिए मेरी, और जैसे कि आपने सुना उमेर भाई भी ऐसा कुछ जरूर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि बीच बीच में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डालेंगे ताकि थोड़ी सी एंटरटेनिंग भी लगे, बोरिंग ना लगे। तो पहली क्वेश्चन ना भी आती है, समझ लो कि आप यूट्यूब पे सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप कौन सी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? इट्स वेरी टफ क्वेश्चन भाई। मेरा टफ क्वेश्चन है सीरियसली, इसीलिए तो पूछा। यार अगर मेरे से ऐसा पूछा जाए तो मैं सतीश कुशवाहा भाई उनके चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। राइट, तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया वहां पे, बोलो जी, क्योंकि वहां पे इंफॉर्मेशन का खजाना पड़ा है, तो वहां से भी इंफॉर्मेशन बहुत ही मिलती रहेगी,
एंड आपने बोला कि YouTube के ऐप से किसको सब्सक्राइब करूंगा, तो YouTube के ऐप से उनको सब्सक्राइब करूंगा एंड ब्राउजर खोल के और सबको सब्सक्राइब करूंगा. नहीं नहीं मतलब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछने की दो वजह थी. एक तो मैं जैसे कि आपने आप सोचने में लग गए थे तो ये मतलब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. प्लस दूसरी रीजन ये है कि अभी जैसे उसे सिर्फ एक ही चैनल चुनना था तो ऑब्वियसली वो सबसे वैल्यूएबल चैनल चुनेगा. तो ये वजह था ये क्वेश्चन पूछने का. और जाहिर सी बात है अगर उसने एक किसी चैनल को चुना है तो वो बहुत ही वैल्यूएबल चैनल है और आपको जरूर वो चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए. तो ये वजह थी इस क्वेश्चन की. तो मैंने बस ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पूछा, आप लोगों के मदद के लिए भी पूछा, आई मीन मेरे दर्शकों के लिए. एंड अब आगे बढ़ते फिर से फॉर्मल क्वेश्चन पे. बीच में फिर से ऐसे क्वेश्चन में कुछ डाल दूंगा. अभी के लिए ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट्स है या टूल्स है जो आप यूज करते हैं अभी फिलहाल? तो मेरे जो टूल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट है. तो अभी अभी जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ वो है एचरेस एंड सेमरश, दोनों टूल मैं यूज़ करता हूँ एंड दोनों का सब्सक्रिप्शन है तो मैं दोनों टूल यूज़ करता हूँ. एंड वो मतलब कीवर्ड रिसर्च, बैकलिंक एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस, इन सब के लिए यूज़ होता है. तो वो टूल है. एंड अगर मैं बात करूँ होस्टिंग की, मैं कौन से अपनी होस्टिंग यूज़ करता हूँ अपने ब्लॉग्स पर, तो एक है सैड ग्राउंड होस्टिंग एंड एक है डिजिटल ओशन एंड A2 होस्टिंग भी मैं ट्राई करता हूँ, यूज़ करता हूँ बेसिकली. तो ये होस्टिंग मैं यूज़ करता हूँ. एंड मैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की बात करूँ, जैसे गूगल डॉक्स है वो मैं कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ करता हूँ. ग्रामरली है वो एक प्लगइन है, बट उस सॉरी प्लगइन नहीं, क्रोम एक्सटेंशन, इसको मैं गूगल डॉक्स के साथ यूज़ करता हूँ अपने कंटेंट राइटिंग को. और अच्छा मतलब ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए, मतलब मिस्टेक्स को हटाने के लिए, तो वो एक टूल है. एंड एक और टूल मैं यूज़ करता हूँ, उसका नाम है इट्स नेम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वो उसके लिए ई मेल आउटरीच के लिए है, मैं उसको भी यूज़ करता हूँ. तो वो भी ऐसे ही टूल है, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ ईमेल आउटरीच के लिए. तो वो एक ऐसा टूल है. एंड हमारा भी वो भी चलता है, अभी हमने स्लैक भी यूज़ करने लगे हूँ, जैसे स्लैक आपको पता होगा. राइट, हम वो भी यूज़ करते हैं अपने टीम मैनेजमेंट के लिए. जी, तो टीम मैनेजमेंट के लिए स्लैक भी यूज़ करते थे. और व्हाट्सअप हमारा एक अलग से मतलब उनका कॉन्टैक्ट नंबर है पूरी टीम का, तो उनसे भी डायरेक्ट बात हो जाती है उससे. तो ऐसा रहता है हमारे टीम मैनेजमेंट के लिए. मतलब मैं कुछ ज़्यादा एडवांस टूल यूज़ नहीं करता, जैसे बहुत सारे एडवांस टूल हैं तो वो यूज़ नहीं करता. एंड अगर बात करें जैसे कुछ लाइक प्लगइन्स की, तो मैं कुछ नॉर्मल प्लगइन रिकमेंड कर सकता हूँ बिशु भाई? हाँ बिल्कुल जी. तो जो मैं प्लगइन्स यूज़ करता हूँ वो सिंपल ही एक है एंटी स्पैम, जो कमेंट्स के हटाने का, मतलब स्पैम कमेंट्स हटाने के लिए होता है. रैंक मैथ SEO प्लगइन, SEO का प्लगइन है. एंड WP रॉकेट प्लगइन वो है जिसके थ्रू लाइक हमारी वेबसाइट की स्पीड बूस्टअप हो जाती है. एंड एलिमेंटोर एंड थाइव आर्किटेक्ट, ऐसे दो प्लगइन है जिसको मैं यूज़ करता हूँ अपनी पेज डिजाइनिंग के लिए. एंड ये कुछ है. एंड एक और प्लगइन यूज़ करता हूँ जिसका नाम है शॉर्ट पिक्सल. वो बेसिकली हमारी जो इमेजेस होती है, हमारे ब्लॉग की जो इमेजेस होती है थोड़ी हैवी होती है, तो वो क्या करता है उस इमेजेस को कंप्रेस कर देता है, उनका साइज लो कर देता है. तो वो मैं यूज़ करता हूँ, बहुत बेनिफिट देता है. एंड साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको अपनी ब्लॉग की स्पीड फास्ट करनी है तो मैं एक चीज़ यूज़ करता हूँ जिसका नाम है बनी CDN. वो CDN सर्विस है एंड वो मैं यूज़ करता हूँ, जिससे मतलब मेरी ब्लॉग की स्पीड और फास्ट हो जाती है, क्योंकि जो मेरा होम पेज है वो एलिमेंटोर से डिज़ाइन है तो थोड़ा हैवी है, तो मैं उसका साइज़ थोड़ा लेस कर देता हूँ उसके थ्रू. राइट, अब जैसे कि मैंने कहा था थोड़ी सी इसमें, अब मुझे इसमें से भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकालनी है. समझ लो कि आपको सिर्फ 3 प्लगइन रेकमेंड करने के लिए मिलता है, 3 ही टूल एक्चुअली, प्लगइन नहीं. आप अगर सिर्फ 3 टूल रेकमेंड कर सकते हैं तो आप कौन कौन सी टूल रेकमेंड करेंगे? थोड़ा सा सोचिए ताकि बेस्ट टूल निकले. ओके, तो अगर मैं टूल्स की रिकमेंड की बात करूँ तो सबसे पहला मैं टूल रिकमेंड करूंगा HRFs. ठीक है, वो भी मैं यूज़ करता हूँ, अच्छा टूल है. एंड सेकंड टूल में जो बताना चाहूँगा वो है लाइक ग्रामरली, क्रोम एक्सटेंशन है, उसको आप यूज़ कीजिए जिससे आपके ग्रामर अच्छा हो सकता है, मतलब करेक्ट हो सकता है. एंड जो थर्ड टूल मैं यूज़ करना चाहूँगा वो है
लेट मी थिंक. ओके सो आई थिंक मैं प्लगइन में से रैंक मैथ को चूज कर सकता हूँ अगर टूल्स की बात है ये तो. ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी मैंने जोड़ दी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अब आगे बढ़ते हैं. अगर मान लो कोई नया नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आपके पास मतलब कौन सी एडवाइस होगी, किस तरह की एडवाइस आप उन्हें देना चाहेंगे? अगर कोई नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है तो मैं सिंपल ये एडवाइस देना चाहूंगा कि यार सबसे पहले तो एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट लेके चलो यार. इसमें मेरे को इस ब्लॉग में मेरे को इन्वेस्ट करना है जिससे मेरे को रिटर्न आएगा. बिश्नु भाई मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट मतलब जो मेरी पहली अर्निंग आई थी लाइक वो अराउंड थी $255 की थी, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आई थी. तो बेसिकली जो अर्निंग आई थी उसको मैंने री इन्वेस्ट करा था प्लगइन्स में, थीम में एंड कुछ और प्लगइन्स में इन्वेस्ट करा था एंड कुछ कंटेंट बाय करे थे मैंने. तो एक वही चीज़ है लाइक आपको मतलब हमेशा करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, हमेशा करना चाहिए. जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे स्टार्ट, जब तक आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी. तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो यार मैं बोलूँगा फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जनरेट प्रेस का फ्री थीम है. बट ये थिंग है यार अगर आप स्टार्ट कर रहे हो डोमेन और होस्टिंग से तो स्टार्ट कर लो, ठीक है. तो ये थिंग है. एंड स्टार्ट कर रहे हो नए हो ब्लॉग तो सिंपली मैं कहूँगा कंटेंट अच्छा डालो, बैकलिंक्स पे भी इतना फोकस ना करो. आई नो बैकलिंक्स बहुत मैटर करती है रैंकिंग के लिए, बट द थिंग इज कंटेंट इज ऑल्सो मैटर. अगर आप बैकलिंक्स को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो तो कंटेंट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि मैंने देखा कि किसी चीज़ का कंटेंट प्रॉपरली ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होता और थोड़ा उसमें प्रॉब्लम्स भी होती हैं. सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज कीजिए एंड उसको एक बेहतरीन कंटेंट बनाइए एंड अपने ब्लॉग डिज़ाइन होता है उसको बढ़ाइए, मतलब अच्छा कीजिए UI एंड उसको सबको इम्प्रूव कीजिए एंड अपने ब्लॉग की स्पीड भी इम्प्रूव कीजिए बाई यूजिंग प्लगइन्स लाइक WP Rocket. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ऑटो ऑप्टिमाइज यूज कीजिए एंड होस्टिंग यूज कीजिए जैसे साइट ग्राउंड, A2 होस्टिंग, डिजिटल ओशन $5 per month के हिसाब से आती है. सो आप ऐसे ऐसे टूल्स है वो सॉरी ऐसे ऐसे कुछ टिप्स हैं जो मतलब मैं देना चाहूँगा. एंड साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप जस्ट अ न्यूबी हो स्टार्ट कर रहे हो तो 6 month तक या 7-8 month तक यार लर्निंग पे फोकस करते रहो. ये मत सोचो कि यार पैसा आएगा इतनी जल्दी आएगा, मतलब वो नहीं होता कि क्यूरियोसिटी होती है यार पैसा जल्दी आए जल्दी आए, $1 तो बने. देखो मेरे में भी थी बट मेरा नहीं बना, मेरा बना जब मैंने पूरा हार्डवर्क डाला विदाउट थिंकिंग मनी. तो बस लर्निंग पे फोकस करो एंड जब आपकी लर्निंग पूरी हो जाएगी ना और आप बिलीव नहीं करोगे अगर आप लर्निंग जो आप सीख रहे हो पेड कोर्सेज में इन्वेस्ट करके किसी भी चीज़ में ऑनलाइन लर्निंग से तो आपको जो मतलब इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, मैंने खुद देखा है. दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड कर रहा हूँ. सो ये कुछ टिप्स थी, कुछ स्ट्रेटजीज थी जो मैं न्यूबीज को रिकमेंड करना चाहूँगा. राइट, तो आपने पॉडकास्ट के बारे में भी जरूर सुना होगा क्योंकि पॉडकास्ट अभी काफी पॉपुलर हो रही है, इंडिया में भी पॉपुलर हो रही है. मुझे लगा नहीं था कि इतनी व्यूअरशिप होगी पर जब मैंने देखा तो काफी ज्यादा व्यूअरशिप है, मतलब पॉडकास्ट पे भी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है. मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था जितनी व्यूअरशिप वहाँ पे मिल रही है उतनी की, बट व्यूअरशिप कह रहा हूँ मैं बार बार सॉरी यूट्यूब पे है इसलिए व्यूअरशिप कह जा रहा हूँ लिसनरशिप. तो इतने सारे सुनने वाले मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और क्योंकि मैंने जब खुद पॉडकास्ट करना शुरू किया तभी जाके मुझे पता चला कि इतने सारे लोग इतने सब्सक्राइब भी होते हैं ना जो पॉपुलर पॉडकास्ट है, आप देख के मतलब दंग रह जाओगे. और प्लस इंटरनेशनली बात करें तो बहुत ज़्यादा ऑडियंस है पॉडकास्ट में, ये काफी पॉपुलर हो रही है. तो आपका ऐसा कोई प्लान है पॉडकास्ट वगैरह स्टार्ट करने का या ऐसा कुछ? जी भाई मेरा प्लान तो है पॉडकास्ट स्टार्ट करने का बहुत ही जल्द, बट वही है अभी मैं स्टार्ट करने वाला था, इक्विपमेंट्स मैंने मंगा रहा था बट द थिंग इज क्वारंटाइन आ गया अभी, ये जो अभी चल रहा है जो अभी समय है उसकी वजह से नहीं मंगा पाया. बट मैं प्रॉपरली स्टार्ट करूंगा ये 2000 लाइक अगले साल करूंगा या इस साल की एंड तक करूंगा, बिकॉज मेरा भी पॉडकास्ट करने का बहुत मन है क्योंकि मैं आपके पॉडकास्ट सुनता हूँ एंड मैं पैट फ्लिन के पॉडकास्ट सुनता हूँ एंड मैं बहुत सारे अलग जैसे अपनी अथॉरिटी हैकर हैं उनके पॉडकास्ट सुनता हूँ. तो मेरे को हमेशा लाइक इंफॉर्मेशन मतलब हमेशा मजा आता रहता है सुनने के जब भी सुनो तो. राइट, तो अगर आपको एक पॉडकास्ट रेकमेंड करना हो तो कौन सा करेंगे? मेरे को अगर एक
पॉडकास्ट रिकमेंड करना हो तो यार मैं करूंगा, मैं ब्लॉगिंग नीच में हूँ, तो अगर मैं करना चाहता तो अथॉरिटी एक्टर का कर सकता हूँ, उनका कंटेंट भी अच्छा होता है एंड आपको सब मिल जाएगा। पर एक और एडिशनल अपना बिष्णु भाई का भी पॉडकास्ट है, वो भी सुन लीजिए। थैंक यू थैंक यू। अगला क्वेश्चन कि आपका, आप ऑब्वियसली अभी तो स्कूल छुट्टियां रहती हैं, तो आपका नॉर्मली मतलब एक वर्क डे कैसा जाता है? स्कूल वाले दिन में तो अलग होता है, बट नॉर्मली एक वर्क डे आपका कैसा जाता है? अगर मैं बात करूं, अगर मेरे नॉर्मल, अगर जैसा अभी इस वक्त की बात चल रही है जब पेपर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो मेरा जो जाता है वो ऑलमोस्ट लाइक मेरा जो रहता है करीबन 8 घंटे से ज्यादा वर्क कर लेते हैं एंड उसके बीच में करीबन 1-2 घंटा खेल लेते हैं लाइक, क्योंकि हम बैठे रहते तो उससे आप समझ ही सकते हैं कि ज्यादा बैठना भी वो नहीं है, अच्छी नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी तो हमारा क्वारंटाइन है तो उसकी वजह से हम बैडमिंटन खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं पूरी फैमिली सब मिलके, जिसकी वजह से लाइक बहुत बेनिफिट रहता है, क्योंकि बैठे बैठे भी आपको पता है कमर में भी पेन हो सकता है और बहुत सारे इश्यूज भी आ सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। सो दैट्स व्हाई मैं ऐसा कुछ करता हूँ एंड अपना जो मेरा टाइम रहता है मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव निकालता हूँ ब्लॉगिंग में, कुछ ना कुछ लर्न करते हुए, कुछ ना हर कोर्सेज से लर्न करते हुए ज़्यादातर अपना टाइम बिताता हूँ। और मैं अभी इतना, अभी मैं राइटिंग करता हूँ, ईमेल्स की कॉपी राइटिंग करता हूँ, सीखता रहता हूँ, ये सारी चीज़ें करता रहता हूँ, राइटिंग भी करता रहता हूँ। नॉर्मली स्कूल डेज में मतलब स्कूल तो जाना पड़ता था, तो आप कैसे मैनेज करते थे, मतलब कब काम करते थे? स्कूल का ऐसा था भाई, हमारा जो स्कूल होता है वो होता है करीबन 7 बजे यहाँ से और आते थे करीबन 3 बजे, ठीक है, तो ऐसा रहता है। एंड उसके बाद हमारा ट्यूशन मान लो ज़्यादा जाता है, मतलब मान लो 4 बजे से 6 बजे तक का ट्यूशन है, उसके बाद जो मेरा टाइम होता है उसके बीच में खाना भी मान लो करीबन या 3 बजे या 2-3 बजे तक तो काम कर ही लेते थे। राइट। तो अगला क्वेश्चन ये है कि ये तो हो गई काम की बात, तो फ्री टाइम में या फिर आप रिलैक्सिंग के लिए क्या करते हो, आराम करने के लिए क्या करते हो, एंजॉय करने के लिए क्या करते हो? तो एंजॉय करने के लिए सिंपली मैं करता हूँ, पहले तो मतलब बाहर जाते थे फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा एंजॉय कर लेते थे, खेलते थे थोड़ा यहाँ पर घर पे, मतलब भात क्रिकेट ऐसा कुछ। एंड अभी ज्यादातर, अभी तो ज्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है, बट हाँ वैसे रिलैक्सिंग के लिए कुछ जाता हूँ मैं, एक आधे एक घंटे मूवी देख लेता हूँ, जिससे क्या रहता है यार लगता है कि थोड़ा रिलैक्स फील हो जाता है उसके थ्रू। एंड ज्यादातर मैं अभी गेम खेलता नहीं हूँ, मतलब हाँ कभी कभी खेल लेता हूँ आधा एक घंटा, बट ज्यादा नहीं खेलता, बट हाँ बाहर जाना लगा रहता है एंड ये सारा चीज। बाहर जाना अभी नहीं लगा रहता, बट पहले था मतलब क्वारंटाइन से पहले। राइट ओके। अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी टॉप 3 अर्निंग की मीडियम कौन सी है, सोर्स कौन सी है, जैसे कि एडसेंस हो गई, अफिलिएट मार्केटिंग हो गई, तो इस तरह से आपकी टॉप 3 इनकम सोर्सेस कौन सी है? अभी जो मेरा इनकम, मेन इनकम सोर्स है वो है एफिलिएट मार्केटिंग, एंड मैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ज़्यादा अपना रेवेन्यू निकालता हूँ एंड बट हमारा क्लाइंट स्टॉक भी है, मतलब हम क्लाइंट्स के लिए भी काम करते हैं, हमारे यूके बेस्ड क्लाइंट है, तो हमारा जो रेवेन्यू मेनली जाता है वो 6 फिगर से ज़्यादा, मतलब 6 फिगर तक चला जाता है आराम से। राइट। तो भाई साहब 6 फिगर में कमा रहे हैं, यानी कि लाखों में कमा रहे हैं, और आप भी कमा सकते हो। कंसल्टेशन ले लो, मुझसे ले लो, मेरे वैसे ले लो, जहाँ से भी ले लो, बट करो जरूर। एंड अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, आखिरी क्वेश्चन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और आप सुनिए जरूर, क्योंकि आपको अपने लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और ये क्वेश्चन है कि आप ऐसे कौन से 3 लाइफ एडवाइस दोगे जो लोगों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? ओके ये कह सकता हूँ मेरा फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज मैं एडवाइस मैं थोड़ा अच्छा दे सकता हूँ। तो मेरा जो पहला एडवाइस रहेगा कोई किसी को भी, मतलब जो ब्लॉगिंग में आ रहा है या ब्लॉगिंग के भी अपार्ट लाइफ में भी, मैं कहूँगा यार अपने अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करो। एक कोट है, इन्वेस्ट लाइक अ किंग एंड स्पेंड लाइक अ बेगर। अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करो, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, ओके, रादर देन जो आजकल चीज़ें होती हैं इन सब में, अपने टूल्स में इन्वेस्ट करो, इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो मैं एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि जब आप अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो अल्टीमेट होगी, ठीक है। तो ये एडवाइस हमारी पहली एडवाइस हो गई, ओके। सो जो हमारी सेकंड एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि वो होता ना अपॉर्चुनिटी मिस ना करो कभी,
ठीक है. अभी क्या है, अभी अगर अभी हम टाइम देखें तो ऑलमोस्ट लाइक 1 बजने वाले हैं, ठीक है. बट हम इंटरव्यू कर रहे हैं हम दोनों, ठीक है. तो यही है, अगर होता तो मना भी कर सकते थे कि भाई रात हो रही है, ऐसा हो सकता है. बट ये बात है कि आपको अपॉर्चुनिटी कभी भी मिले, मतलब कभी भी उसको नकारो मैं. जब भी अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, आप उसको एक्सेप्ट करो. और वो जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब एक्सेप्ट करो विद इन 30 सेकंड, फिर बाद में देखो कि उसको कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है. अगर कोई मेरे को ऐसा वर्क भी दे दे कि यार उमर हमें ये साइड रैंक करानी है, हाँ उसके लिए तो मैं देखूंगा. बट अगर कोई मेरे को ऐसे बोले कि यार उमर जरा मुझे को इंटरव्यू लेना है, मैं विद इन 30 सेकंड में बोलूंगा यस, हाँ भाई मैं रेडी हूँ. एंड दिस इज द मेन थिंग जो मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ यार, कि अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से कभी जाने मत दे. एंड जो थर्ड एडवाइस मैं देना चाहूंगा यार, कि कुछ भी स्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं होती. लाइक पीपल अभी जब लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा माइंडसेट होता है उनका कि जॉब करेंगे, मतलब 12 लाख रुपए का मंथली नहीं, 12 लाख रुपए का साल का उनका रेवेन्यू जाएगा. बट जॉब्स में ऐसा होता है. बट अगर हम एज ए एंटरप्रेन्योर बात करें तो 12 लाख रुपए हम आराम से एक हफ्ते में निकाल सकते हैं, है ना. तो ऐसा है, तो मैं कहूँगा यार स्टार्ट करने की कोई भी उम्र नहीं होती, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. मैं ऐसा, मतलब मेरा 13 ईयर्स जब मैं था, 13 साल की उम्र में था जब मैंने स्टार्ट करा. एंड मैं एक और मैम से मिला था जो मेरी दादी की उम्र की है, वो उन्होंने ऑलमोस्ट लाइक अपना 90s में स्टार्ट करा था अपना बिजनेस 90s में स्टार्ट करा था. तो देखो यार, करने की कोई उम्र नहीं होती. वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू समथिंग. आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा टू बिकम अ सक्सेसफुल, ठीक है. तो ये कुछ लाइफ टिप्स मैं देना चाहूंगा. एंड हाँ, एक और अगर मेरे को बोनस टिप्स देनी हो तो मैं एक और कह सकता हूँ कि नेवर गिव अप. तो ये थे उमेर भाई, जो कि काफी अच्छी इंटरव्यू हो गई. आगे और भी काफी सारे बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज आने वाले. मैं बड़े बड़े कंपनीज के लोगों को भी इन्वाइट करने वाला हूँ. ऑलरेडी एक जन से बात चल रही है, वो मान भी गया. पहले मैं टेस्टिंग करना चाहता था, पहले खुद को थोड़ी प्रैक्टिस कराना चाहता था. एंड इसके बाद आएगी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लोग भी. मैंने उमेर भाई को किया, उसके बाद कुछ और ब्लॉगिंग वाले फ्रेंड्स को करूंगा, ताकि मेरी खुद की थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह हो जाए. उसके बाद मैं उन्हें भी बुलाऊंगा. ऑलरेडी बात चल रही है, जिनमें से एक कन्विंस्ड हो चुके हैं और आगे भी कन्विंस करूंगा मैं लोगों को. तो बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, मजा आएगा इस इंटरव्यू सीरीज में और पॉडकास्ट में. आप जरूर फॉलो करना. और उमेर भाई, आपको ये लोग कहाँ फॉलो कर सकते हैं? भाई मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है वो है AKA उमेर कुरेशी. तो आप उस पर फॉलो कर सकते हैं. हमारा ब्लॉग है guideblogging.com, उस पर. एंड मेरा कह सकते हैं फेसबुक ग्रुप है जिसका नाम गाइड ब्लॉगिंग के नाम से है. तो इन जगह मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं. बिल्कुल, सारे लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. आप जहाँ पे देख रहे हो, पॉडकास्ट पे सुन रहे हो, तो वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी. प्लस यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी. अब वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ताकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहे. कमेंट करना उमेर भाई के लिए या मेरे लिए, आपके पास कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हो कमेंट करना, ठीक है. सब्सक्राइब कर लेना उमेर भाई के यूट्यूब चैनल. यूट्यूब चैनल भी लिंक कर दूंगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना. और हम मिलेंगे अगले एक एक्साइटिंग इंटरव्यू में, जहाँ पे मैं और भी ऐसे ही ब्लॉगिंग वाले सेलिब्रिटीज या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज टाइप के लेके आऊंगा, जो ऑब्वियसली हमारे वर्क कल्चर के सेलिब्रिटीज. सलमान भाई नहीं आने वाले यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बट डेफिनेटली आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लोग यहाँ पे आएंगे. थैंक यू उमेर भाई फॉर ज्वाइनिंग मी एंड बीइंग द फर्स्ट पर्सन इन इंटरव्यू. थैंक यू सो मच.